आपने कभी देखा हो पहले एक ऐड आती थी, ऐड जिसमें इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाया जाता है, वो पूछता और जनाब क्या चल रहा है। वो एक पीछे परफ्यूम की ऐड थी शायद, थी ना। लेकिन वैसी ऐड एक और बनेगी, अब वो ऐड बनेगी इंडिया और कनाडा के ऊपर कि और जनाब कनाडा में क्या चल रहा है। बोला कनाडा में माफियों का दौर चल रहा है। एक तो नहीं पता नहीं कितने वीडियो आ गए, वो जो पहले बड़े क्रांतिकारी बन रहे थे ना, वो वीडियो डाल डाल के माफिया मांग रहे हैं। कमाल ही हो गया ये तो, इससे बड़ा कमाल आप कहाँ देखोगे। वो पहले माफी वीर की तो माफी सुनाई थी ना, एक और आगे जो पता नहीं कोई तो पद ले रहा होगा उड़े, कोई तो पद था। ये श्रीमान का क्या करें भाई। First of all, I would take this opportunity to apologize to the Peel Police and the Brampton administration for what has happened in Brampton in the last 2 days. This is not who we are. This is not what we are. मतलब ये पढ़ा लिखा अंधवा कहता है, ये इंग्लिश में माफी मांग रहा है, ये इंग्लिश में माफी मांग रहा है। कमाल की बात है ना, क्या चल रहा है ये। यहां पर एक नया और चल पड़ी, नई समस्या और चल पड़ी चिंटुओं के लिए भी, सभी के लिए, कि शेयर मार्केट में गिरावट का कारण कहीं ट्रंप तो नहीं है। यहाँ पे ये न्यूज चली हुई है कि वो ट्रंप को शेयर मार्केट धड़ाम हो रही है, जो ट्रंप ने तो नहीं कुछ कर दिया है। क्या लगता है आपको क्या कारण हो सकता है। वैसे ये चिंटू चलाते बहुत कुछ रहते हैं, इनका देखने में बड़ा मजा आता है। चिंटुओं की एक नई समस्या और चली हुई है, कोई होगा इनका यो ट्विटर के ऊपर। ये क्या लिख रहा है, वीडियो भी डाल रहा है, वीडियो है अपने पास, वो वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप का और उसका गुरपंत पन्नू का, वो वीडियो है। उस वीडियो के बारे में क्या लिख रहा है, गुरपंत सिंह पन्नू ने मुझे अभी इस सवाल का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है। ऐसा लगता है कि उसे अमेरिका में किसी शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है। आपका अनुमान मेरे अनुमान जितना सटीक है कि बात भारत विरोधी खालिस्तान चरमपंथियों के मामले में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। ट्रंप का और गुरपंत पन्नू का वीडियो डाल रखा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो वीडियो 2019 का है, वीडियो 2019 का है और ये डाल रहे हैं उस वीडियो को। वो वीडियो एक दो तीन बार नहीं, कई बार देखा हमने, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन लगता है इनको बेचारों को कुछ ज्यादा ही तकलीफ अब ट्रंप से होने लगी। अब ट्रंप के ऊपर तकलीफ इनकी फोकस हो गया, इनका ट्रंप के ऊपर। वैसे पाकिस्तान कनाडा को तो बर्बाद कर ही चुके हैं। सुन लो, जो ये गिरावट आई ना शेयर बाजार में, गिरावट आई है, इसका असली कारण क्या है। शेयर बाजार में आज गिरावट का एक अन्य कारण अमेरिकी फेड की बैठक भी है। आज यूएस फेड की बैठक होने वाली है, जिससे फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर फैसला लेगा। बाजार को पहले से ही 0.25% कटौती की उम्मीद है। अगर 0.25% कम हुई तो बाजार ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन नहीं हुई या फिर ज्यादा कटौती हुई तो बाजार पर सीधा असर दिखेगा, जिसका सीधा असर दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। ऐसे में भारतीय निवेशक आज सतर्क होकर बाजार में निवेश कर रहे हैं और प्रॉफिट की बुकिंग कर रहे हैं। करते रहो, अब ये बेचारे, इनको नई समस्या ट्रंप नाम की आ गई। इनको इनके लिए कहीं ना कहीं बेचारों के लिए समस्या रहती ही है। अब इनकी ट्रंप नाम की समस्या होगी, भाई ट्रंप ये करेगा, ट्रंप शेयर बाजार को डाउन कर देगा। आपको चलो एक खुशी की बात बताते हैं, अमेरिका और कनाडा से। पहले वो खुशखबरी सुनो, खुशखबरी क्या है। अमेरिका और कनाडा में बहुत मैसेज आए थे, बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने बताया बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोला जाट के बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई देख सब करते हैं तो हम भी अपने उसमें करेंगे, अपने बच्चों का पूछेंगे भाई बच्चों का कहीं फ्यूचर खराब ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, बोला हमने पहचान कर ली है ये लोग हैं कौन, ये जाट नहीं है। जो ये हरियाणा का जाटों का नाम ले रहे हैं ना, बोला ना तो यहाँ पर हरियाणा वर्सेज पंजाब होगा, ना जाट वर्सेज सिख होगा, ये ना कनाडा में होगा और ना ही अमेरिका में होगा। बड़ी शांति की बात है, यही सरोख आपने भी अपील की थी, यही तो की थी सरोख आपने भी अपील। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा हमारे को भी कि भाई उन लोगों ने पहचान तो कर ली। बोला 84 के बाद हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा, और खास करके किसान आंदोलन के बाद जो हमारी एकता बनी है ना, वो एकता इनके चिंटूगिरी से नहीं टूटेगी। बोला इन्होंने नू मेवात में किया था, वहां पर भी ये जाटों को शामिल करना चाहते थे। इन्होंने हरिद्वार वाले कांड में किया, इन्होंने मणिपुर का, पूरा मणिपुर कितने दिन तक जलता रहा, कोई गया नहीं गया। इन लोग ये यूपी में करवा देते हैं ऐसे ही, मतलब छेड़खानी ये कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुसलमान, उड़ा फिर जाट मुसलमान हो गया है। समझना पड़ेगा आप सभी को, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, छेड़खानी करने वालों की पहचान कर लो। ये है ना टन्नू मन्नू, ये किसी के सगे नहीं है,
ये अपने कोई भी सगे नहीं है, कहीं तुम सोच रहे हो अपनों के सगे होंगे, अपने कोई भी सगे नहीं है, ये किसी के भी सगे नहीं हो सकते। क्यों पता है? ओलंपियन है साक्षी मलिक, वह कह रही है भी मेरे को धमकाया जा रहा है और मोदी साहब से अपील कर रही है वीडियो बनाकर, उसका वीडियो आ रहा है एक कि ब्रजभूषण के बंदे मेरे को धमका रहे हैं। ये बिरजू गुटका गैंग चाहते क्या है भाई ये बताओ? खिलाड़ियों के ये नहीं, जवानों के ये नहीं, किसानों के ये नहीं, और तुम तो कहना ही मत मेरे भाई जाटो, तुम तो बोलना ही मत जाटो का, जितना रगड़ना चाहते ना उतना रगड़ते हैं ये जाटो से, इनको पहले से ही दिक्कत है, असली जाटो से दिक्कत इनको ये जाट सिख की तरफ जा रहे हैं, असली मेन समस्या की जड़ यहाँ पे है, इसलिए ये हरियाणा और जाटो के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तुम तो वहां पर ट्रंप का जो जीतने के बाद भाषण था उसमें भी तुम मोदी मोदी कर रहे थे, वहां भी तुमने अपनी बेइज्जती करवा ली। वाशिंगटन की पोस्ट में देख क्या क्या लिख रखा है, तुम देखोगे ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहां के अखबार है ना, सच्चाई लिख देते हैं सच्चाई। और तुम यहाँ पे अब मेरे को लग रहा है अगला नमस्ते ट्रंप चलाओगे, अगला नमस्ते ट्रंप चलेगा, देश के 500-600 करोड़ रुपये सब आ जाएंगे, ये जो टैक्स आप लोग देते हो ना टैक्स का पैसा ही नमस्ते ट्रंप पर चलेगा। क्यों? एक तरफ तो ये कह रहे हैं भाई ट्रंप भी खालिस्तानिया का ही है, ट्रूडो भी खालिस्तानिया का है, फिर तुम्हारा खाना कहाँ है ये बताओ? फिर तुम जाते क्यों हो कनाडा अमरीका जब तुम्हारा वहां पे कुछ नहीं है? तुम इतने बड़े देशभक्त हो तो यहाँ पर नौकरियां क्यों नहीं ले रहे? तुम यहाँ पर नौकरियां क्यों नहीं ले रहे? फिर चलो तुम वहां चले गए, तुम कनाडा गए अमरीका गए, फिर तुम हरियाणा और जाटो का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? नाम का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? आज भी कनाडा और अमेरिका में सिखों के घर पर रहते हैं जाटों के बच्चे, हरियाणा से जब को जाट जाता है अपने बिजनेस में साझा करते हैं, अपनी नौकरियां दिलवाते हैं उनको, आज भी मदद करते हैं, वो मदद करते हैं तुम, लेकिन पता ही नहीं कौन सी दुनिया के जीवाणु कीटाणु हो तुम्हारा, ना तो कोई खाना है, खाना तुम्हारे को जो है वो तुमने खेत में डालने लायक भी नहीं छोड़ना, उसको तुम खा जाते हो। अनाज खाओ थोड़ा बहुत दिमाग आएगा, ये जो देश की लंका लगा रखी है ना ये तुम्हारी समझ में आएगी, नहीं तो ना तुम्हारी औकात आधा के जी टमाटर खरीदने की भी नहीं बचेगी, ये बता दिया। महीने में कहीं सोच रहे हो डेली डेली तो तुम वैसे भी आज भी नहीं ले पा रहे, लेकिन तुम महीने में भी आधा के जी टमाटर नहीं खरीद पाओगे, तुम्हारी औकात यहाँ पे आने वाली है। तुम्हारे से पहले कोई नुकसान नहीं होगा, ना जाटो कुछ बिगड़ेगा, ये अपना सेटल है, सबसे बात होली सब बोले हम अपनी जगह सेट है, हमारे कोई मतलब नहीं, कोई कैसे झंडे उठा कर नारे लगाओ हमारे को इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनके माफियों के इतने वीडियो सामने आ रहे हैं, तुमने जैसे नू मेवात में किया था वही अब कनाडा वाले केस में शुरू कर दिया, और नू मेवात वाली चप्पल तो तुम्हारी आज तक उठ नहीं पाई थी, तो जब भी तुम चिल्ला रहे थे जाट आओ हिंदू बचाने हिंदू बचाने, ये तुमने कनाडा में भी शुरू कर दिया है, धर्म के नाम का धर्म का धंधा बना रखा है। झगड़ा होया है बाहर मंदिर से बाहर, बोला मंदिर पर हमला कर दिया, कमाल की बात है। फिर पुलिस से उन्होंने परमिशन ले रखी प्रोटेस्ट की, तुम्हारी कोई परमिशन ही नहीं थी, तुम बिना परमिशन के गए, नहीं तो इसका ताजा सबूत यह है कि हिंदू सभा वालों ने उसको क्यों निकाल दिया पंडित जी को जो बयानबाजी कर रहा था। तुम्हारे फिर भी समझ में नहीं आ रहा, अकल नाम की चीज तो तुम्हारे पास है ही नहीं, जब तक तुम्हारा पापा कुछ नहीं बोल लेता तुम्हारी समझ में नहीं आता ना, तुम्हारा पापा एक दिन बोलेगा राम राम मैं चला जोड़ा उठा के तुम अपना देख लेना मेरे भक्तो, ये 2014 के बाद ही तो पैदा हुए भगत जल्दी अनाथ भी होने वाले, ये भी बता दिया है, वो उठाएगा जोड़ा क्योंकि लंका लग चुकी है भाई, बची खुची लंका ट्रंप लगाने वाला है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात अकोर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।